हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड्स कुछ ऐसे बताने वाला हूँ जो कि ना कि मिड कैप कैटेगरी के हैं ना स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के हैं, बट अगर आप FD वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छे रिटर्न बनाकर देने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, जो कि ब्लू चिप म्यूचुअल फंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड इसी के साथ में यहाँ पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। मैं उससे पहले आपको यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 100% का जो है रिटर्न दिया हुआ है। 92% के रिटर्न है, बट आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 100% के रिटर्न ये हो सकते हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ है। इसी के अलावा अब हम बात करते हैं अगर top 3 म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें पहला म्यूचुअल फंड हमारा आ जाता है एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसमें अगर आप ऑल टाइम डाटा चेक करते हो तो 15% के रिटर्न है। एंड 15% के रिटर्न आप ऑलमोस्ट समझ सकते हो कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज के टाइम में 15% के रिटर्न ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं अगर आपको ये हर साल के रिटर्न देखने को मिलते हैं तब के लिए। यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पुराना हो चुका है। इसी के अलावा बात करते हैं अगर इसकी NAV की, तो आप देख सकते हो इसकी NAV अभी के टाइम में 60 रुपये चल रही है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। रेटिंग इसको 2 स्टार मिली हुई है। फंड साइज इसका 32,000 करोड़ का है। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो आपको टोटल 47 स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला स्टॉक आ जाता है ICICI बैंक लिमिटेड, जिसमें इन्होंने 7.64% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। HDFC बैंक लिमिटेड में 6.79% का इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप देखोगे तो 6.66% का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं इक्विटी की, तो इन्होंने 99.3% का इन्वेस्टमेंट किया है। डेट 0.4% है। कैश इन्होंने 0.2% इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। फाइनेंशियल में इन्होंने 23%, अदर्स में 14%, सर्विसेज में 10.7% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर लार्ज कैप फंड है, तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर ये अपने बेंचमार्क को ज़्यादातर कंपनीज बीट नहीं कर पाती हैं। अल्फा -4% है, बीटा 0.96% है, शार्प रेशियो आप देखोगे 0.58% है। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए तब के लिए आपको लार्ज कैप फंड में आना चाहिए, बट ये म्यूचुअल फंड जो इसका रिस्क रेशियो नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की नज़र आता है। मिनिमम SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपीज़ से ही शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज रिटर्न 15% है। इस म्यूचुअल फंड ने भी 15% के रिटर्न दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। इसी के बाद बात करते हैं अगर एक्सपेंस रेशियो की, तो 0.66% इसका एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाता है। एग्जिट ग्रोथ 10% है, 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज ये भी 0 हो जाता है। टैक्स 15% है, 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ और भी म्यूचुअल फंड्स की, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आखिर हमें कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड की, तो ये आ जाता है हमारा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसमें आपको ऑल टाइम डाटा में 16% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड भी 10 ईयर्स पुराना है, तो इस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस ब्लू चिप फंड से ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। NAV की बात करते हैं, तो इसकी NAV प्राइसिंग 102 रुपये है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। रेटिंग 5 स्टार मिली हुई है। फंड साइज 51,000 करोड़ का है। तो यहाँ पर अभी तक आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बेस्ट देखने को मिल जाती हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के आप कंपेरिजन में देखते हो तब के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो टोटल 71 स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक आ जाता है ICICI बैंक लिमिटेड, जिसमें 8.27% है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसमें 8.10% है। लार्सन एंड टोरबो लिमिटेड में 6.76% है। इसी के बाद हम बात करते हैं इक्विटी में, इन्होंने 91%, कैश 8.5%, डेट 0.4% है। इक्विटी सेक्टर की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल में 20%, अदर में 19%, एनर्जी में 17% इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। अल्फा यहाँ पर आपको प्लस में देखने को मिलता है 4.59%, बीटा 0.87%, शार्प रेशियो आप देखते हो तब के लिए 1.21% है। तो रिस्क रेशियो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। मिनिमम SIP एंड लमसम आप 100 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज रिटर्न 15% देखने को मिलता है 5 साल में। इस म्यूचुअल फंड ने 18% के रिटर्न दिए हुए हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर हैं आपके लिए। बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो हाई देखने को मिल जाता है 0.85%। एग्जिट लोड 1 साल के अंदर रिडीम करने पर 1% है, अदरवाइज़ ये 0 हो जाता है। टैक्स 15% है 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं।
तो ओवरऑल आपको जो डाटा देखने को मिल रहा है वो इस म्यूचुअल फंड का ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू एक्सिस ब्लू चिप फंड। बात करते हैं थर्ड ब्लू चिप फंड की, जो किया जाता है हमारा कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, जिसमें आप ऑल टाइम डाटा चेक करते हो तो 15% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर है। इसी के बाद बात करते हैं एनएवी की, तो अभी 60 रुपये इसका एनएवी चल रहा है। मिनिमम एसआईपी 100 रुपये है, रेटिंग 4 स्टार मिली हुई है, फंड साइज 12,000 करोड़ का है। इसी के बाद हम बात करते हैं होल्डिंग्स की, तो टोटल 52 स्टॉक्स हैं, जिसमें पहला आ जाता है HDFC बैंक लिमिटेड जिसमें 7.76% है, ICICI बैंक लिमिटेड जिसमें 7.17% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसमें 6.83% है। इसी के बाद इक्विटी में 96.5% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कैश 3.5% रखा हुआ है, फाइनेंशियल में इन्होंने 28%, अदर्स में 12%, टेक्नोलॉजी में 12% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अल्फा 0.50% देखने को मिल जाता है, बीटा 0.89%, शार्प रेशियो 0.95%। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एवरेज देखने को मिल जाती हैं, बट अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों ही म्यूचुअल फंड में जो रिस्क रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाता है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का। मिनिमम SIP 100 रुपये, मिनिमम आप लमसम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से शुरू कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज रिटर्न 15% है 5 साल में, इस म्यूचुअल फंड ने भी 18% के रिटर्न दिए हुए हैं। बात करते हैं अगर एक्सपेंस रेशियो की, तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो सबसे कम देखने को मिल जाता है 0.52%, एग्जिट रेट 1% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। टैक्स की बात करते हैं 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है, वो भी 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तीनों ही फंड में अगर आप चेक करते हो रिस्क रेशियो, तो आपको देखने को मिलता है कि कैनरा रोबेको जो ब्लू चिप फंड है इसका अल्फा बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बीटा लो है। बट अगर आप ICICI ब्लू चिप फंड का चेक करोगे तो अल्फा भी हाई है, बीटा लो है, एंड बाकी सारी चीज़ें भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड आप देखते हो तो अल्फा काफ़ी लो है, अल्फा माइनस में है, बीटा हाई है। तो आप ये तीनों ही चीज़ें जब देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाता है। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको एक बार अपने आप एनालिसिस करनी है म्यूचुअल फंड की, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप SIP करते हो यहाँ पर 5,000 रुपये की, तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ 5,000 एंड जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहे हैं 16% में वही देकर चलता हूँ, अगर इन फ्यूचर आपको वैसे ही रिटर्न देखने को मिलते हैं। टाइम पीरियड अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप देखोगे 6,00,000 रुपये आप 10 सालों में इन्वेस्ट करोगे, टोटल वेल्थ आपको 14,00,000 की मिलेगी। बट अगर आप अपना टाइम पीरियड 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर देते हो तो अब आप देखोगे टोटल आप 12,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, टोटल वैल्यू 87,00,000 हो जाएगी। बट अगर आप 5 साल अपना टाइम पीरियड और बढ़ा दोगे, 25 साल कर दोगे, तब आप देखोगे 15,00,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो, टोटल वैल्यू 1,98,00,000, ऑलमोस्ट 2 करोड़ की वैल्यू आप जनरेट कर लोगे अगर आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।